नशे में धुत कार चालक रफ्तार में आती कार। आए दिन राजधानी में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है तो कोई अनाथ हो जाता है और तो कुछ और अपनी संतान दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर के पास एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था जिसे यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस आरोपी तक पहुंच नहीं पाई है। इसी के चलते हमारी संवाददाता पीड़ित परिवार से मिली, साथ ही सपा विधायक रविदास मल्होत्रा से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मेरा नाम कनक मिश्रा है। जैसे कि आप सभी को बताएं कि तेज़ रफ्तार के चलते आए दिन कोई ना कोई नए हादसे हो रहे हैं। ऐसे ही हम चर्चा करेंगे हाल फिलहाल के हादसों की। तो आपको बता दें कल घाटू श्याम मंदिर के पास दो युवाओं को एक गाड़ी चालक ने ठोकर मार दी और उनकी जान चली गई। युवाओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो दोनों बहुत ही गरीब परिवार से हैं और जिसने ठोकर मारी वो बताया जा रहा है कि वो KGMU का डॉक्टर है। तो आइए हम यहाँ पर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि मृतक जो युवा हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले किस तरीके से रो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर रविदास मल्होत्रा जी सपा के विधायक आए हुए हैं, उनके परिवार वालों से मिलने आई है। उन्हीं से बात करेंगे चलकर कि क्या कुछ आश्वासन दिए हैं उन्होंने और क्या कुछ मदद की जा रही है उनकी उनकी पार्टी की तरफ से। कि आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है इनके परिवार को? ये शंकर निषाद जी के पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके घर में 6 लोग थे और वो अकेला कमाने वाला था। 2 युवा बेटियां हैं, 1 छोटा बेटा है, पिता बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, फ्रैक्चर हुआ है और माँ भी अस्वस्थ है। तो वो कमाने वाला अकेला बेटा था प्रेम निषाद, और उसको जो है दुर्घटना में वो घायल हो गया और घायल होने के 1 घंटे तक वो जीवित रहा। और जो वैभव नाम का व्यक्ति है जिसने दुर्घटना करने का काम किया है उसने कहा मर गया भागो, और उसने अगर बचाने का कोई प्रयास किया होता, अगर एम्बुलेंस आ गई होती तो वो प्रेम निषाद बच गया होता, लेकिन एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद तक वो वहाँ पड़ा रहा। और इसके बाद जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसके उस वक्त उसके प्राण थे लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हम सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार में कोई कमाने वाला और नहीं है। माता पिता हैं, 2 बेटियां हैं, 1 छोटा बेटा है, इसलिए इनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान और मदद दिया जाए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो गाड़ी इंश्योर्ड थी और उस गाड़ी में जो क्लेम का पैसा है वो उनके माता पिता को मिले। दूसरी बात ये है कि दुर्घटना नहीं है, ये एक हत्या है, क्योंकि अगर दुर्घटना के बाद उसको ले जाया गया होता तो वो बच जाता। तो जब 1 घंटे तक उसके शरीर से खून निकलता रहा, उसमें सांस रही, वो तड़पता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको उठा करके ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और बाद में उसकी जो है वो मौत हो गई। तो इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो क्या प्रशासन इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है या कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहा है? देखिए, प्रशासन जो है इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि जब उस दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के बाद इन लोगों ने कहा, परिवार के लोगों ने, कि वो शराब के नशे में है। अच्छा। तो उसका मेडिकल कराने को तैयार नहीं थी पुलिस। जब वहाँ बहुत देर तक जो है हंगामा हुआ, बहुत देर तक मतलब कहा गया, तब उसके बाद पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई और डॉक्टरी में आ गया कि वो शराब के नशे में था। तो शराब के नशे में वो गाड़ी चल रहा था, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, उसमें शराब की बोतलें अंदर मिली हैं, और अगर उसने बचाने का कोई प्रयास किया होता तो वो बच गया होता। तो इसलिए पूर्ण रूप से प्रशासन इसमें दोषी और जिम्मेदार है और इनके परिवार के लोगों को कोई भी इनके जीवन का सहारा नहीं है। और इसलिए 2 बेटियां हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं, 1 छोटा बेटा है, माता पिता बीमार हैं, इसलिए इनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। प्रेम निषाद के साथ इसका एक दोस्त भी था पार्थ, उसकी भी मौत हो गई और उसके घर में भी कोई आदमी नहीं है काम करने वाला, वो अकेला था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी दादी हैं
और दादी के सामने उसके बेटे की और उसके पोते की मृत्यु हो गई है, तो उस परिवार को भी एक रुपया मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार ने इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया तो जब विधानसभा सत्र चलेगा तो विधानसभा के अंदर हम इसको उठाएंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि इन लोगों को जो है वो आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। शंकर लाल निषाद, ये बताइए कि इस घटना के बारे में जरा बताइए कि क्या कुछ ऐसे हुआ। घटना के विषय में हम क्या बताएं, हमको हम तो सो रहे थे, हमारी वाइफ आई है करीब 1 से 1.5 के बीच में, 1 से 1.5 के बीच में आई हैं, तो हमसे बताएं कि भैया का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने कहा कैसे, बस जैसे हमको मालूम हुआ ये रोना पिटना शुरू हो गया, हम सेल उठाए, बस यहाँ से काला काकर तक गए, उसके बाद हमने कहा इधर से कोई साधन मिलेगा नहीं, तो हम फिर यहाँ फैजाबाद रोड से निकल रहे तो वहाँ से साधन मिल जाएगा, ऑटो विक्रम कोई भी जा रही होगी तो मेडिकल तक के पहुँच जाएंगे। तो वहाँ ये हुआ कि हमारे जब तक दवा साहब आ गए तो उनकी गाड़ी से हम सीधे चले गए, तो ये हुआ कि वहाँ पे 2 गाड़ियाँ पुलिस की वहाँ खड़ी थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग वहाँ रुके नहीं, सीधे चले गए वहाँ मेडिकल कॉलेज ट्रामा में। हम लोग पूरी रात जो है हम लोग वहीं पे जहाँ पे बच्चे का जो है वो चल रहा था ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे जो है कोई अलाउ नहीं हुआ, वहीं पे हम पूरी रात जो है बाहर बैठे थे, पूरी रात वहीं पे हम गेट के बाहर दरवाजे के बाहर थे। उसके बाद में हम वहाँ से 7:30 बजे गाड़ी मिली है तो ले जाके हमने वहाँ पे जो है अब जहाँ पे जो है वो ले जाना था क्या नाम है हाँ, तो वहाँ पे ले गए, वहाँ पे जो है अपने हाथों से जो है बाडी जो है वहाँ पे लगाई। बाडी लगाने के बाद और जो हमारे साथ में जो हमारे भाई भतीजे थे, छोटे बच्चे थे, ये भी थे, हमारा लड़का छोटा वाला, तो हम सबको हमने कहा कि अभी जो है यहाँ पे लगेगा 12-1 बजे का, तब तक जो है तुम लोग जाओ जो है कुछ जो है मंजन करके कुछ जो है, मतलब हमने जान के इसलिए भेज दिया कि तुम लोग रहोगे, 12-1 से पहले कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए कि जाके तुम कुछ फ्रेश हो जाओगे तो कुछ इसी बहाने चाय पानी पी लोगे। हम वहीं अकेले रुक गए, उसके बाद में जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बताइए कि आपसे इस घटना के बाद कोई मिलने आया, और जैसे आप अभी बैठे हैं इनके बाद कोई और आया मिलने? नहीं, कोई नहीं आया मिलने, बस यही दैनिक से और ये सब आए हमारे। अच्छा। भाभी साहब आई है। हाँ। इनका नवरात्र व्रत चल रहा है, तो इनको भी जैसे मालूम हुआ वो इनको दोपहर में मालूम हुआ, तो हमारे भाई को भेज दिया था कि जाके जो है तुम वहाँ देखो हमारा व्रत है, हम वहाँ से जैसे फुर्सत मिलेगी, तो ये गए थाने पे वहाँ पे जो है वहीं पे ये थी, तो हम बाडी के चक्कर में लगे थे कि यहाँ से बाडी ले जाना है, उसकी हालत बहुत ख़राब, ज़रूरत से ज़्यादा हालत ख़राब थी, इसलिए जो है हम वहीं पे थे। इनका कई मरतबे फ़ोन गया तो हम लोग वहाँ थाने तक नहीं पहुँच पाए। जी बताइए कि इस दुर्घटना के बाद अब आप क्या चाह रही हैं कि आपको क्या कुछ आश्वासन दिए जाएं या क्या कुछ किया जाए आपके लिए? अरे हमारा बेटा चाहिए, बेटा मेरा ले गया मार के, उसके साथ में लेके जाता तो उठता ये ठीक हो जाता, बोले भागो मर गया। अच्छा। भागो मर गया, वो कहीं ऐसा होता है एक डॉक्टर होते बचाते हैं, वो डॉक्टर होके मार दिए दौड़ा के गाड़ी से। अच्छा। भागने की कोशिश करा मेरा बेटा, उसको दौड़ा के मारा है गाड़ी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शर्मिला महाराज। अच्छा, ये बताइए कि इस हादसे के बाद आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों की तरफ से कुछ मदद नहीं की गई कि आप भी परिवार की कुछ मदद कर दीजिए? क्योंकि परिवार को मदद किया गया है। हाँ। हम लोग की तरफ से परिवार को मदद किया गया है, बाकी जो दोषी है और प्रशासन और सरकार से हम लोग की मांग हो रही है कि समाजवादी पार्टी इन मांग कर रही है कि इस परिवार के साथ
आकर सरकार इनकी मदद करे। और हमारी इतनी मांग है कि इस परिवार में कोई कमाने वाला अब नहीं रहा, तो इसलिए इनको एक सरकारी नौकरी, वो केजीएमसी का डॉक्टर था, तो इनको इनके पिताजी को वहाँ नौकरी दिया जाए जो अपने परिवार का पालन पोषण वो सही से कर सकें। बाकी हमारे इन हमारे सांसद जी विधायक जी ने मांग कर दिए हैं कि 1 करोड़ रुपये, तो 1 करोड़ रुपया दोनों परिवार पीड़ित को दिया जाए जिससे इन लोग का जीवन यापन कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने पीड़ित परिवार से बात करी, पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको उनका बेटा चाहिए, लेकिन अब बेटा कैसे वापस आए। उनके पिताजी का कहना है कि जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, अगर वो डॉक्टर उसे ले जाता इलाज कराने, तो शायद उनका बेटा वापस आ पाता। और वहीं मैंने रविदास मल्होत्रा जी से भी बात करी, उनका कहना है कि वो निषाद परिवार को जो मौजूदा सरकार है उससे 1 करोड़ रुपये देने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो दोनों व्यक्ति मरे हैं, जो दोनों लड़के मरे हैं, प्रेम और पार्थ, उन दोनों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और उनकी हेल्प करी जाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।